गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मैं अपने पुराने घर आया हूँ ताकि अपने परिवार से मिल पाऊँ। देखो वो सभी सामने खड़े हैं, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इन दोनों के काला होने के बावजूद इनका ये छोटा वाला बच्चा इतना ज्यादा गोरा कैसे हुआ। तू मेरा एक काम करेगा। बताओ क्या करना है। इसको स्कूल ले जा। मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे को पता ही था तू नहीं करेगा। पता था तो बोला क्यों। बेटा जा उसको स्कूल ले जा। मैं नहीं ले जाने वाला। बोला ना ले जा। ओके तो गाइस मेरे को ना चाहते हुए भी अब इसको स्कूल ले जाना होगा। मेरे को इस काम से नफरत है, क्यों ना अपनी पुरानी वाली कार को दोबारा से चलाकर देखा जाए। यार ये तो काफी शानदार है, देखो वो कितने आराम से आ रहा। आज तो मैं कार को तेज चलाकर इसको डराने वाला हूँ। लेकिन गाइस इससे पहले कि मैं स्कूल पहुँचूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से लाइक बटन दबा दो। ऐसा करने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो आप देख सकते हो हम स्कूल पहुँच गए, पर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे को तो इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है मानो प्रोटेस्ट चल रहा हो, वो भी पता नहीं किस चीज के लिए। अब इन लोगों को क्या हुआ, ये यहाँ से डरकर क्यों भागने लग गए। शायद ये यहाँ का प्रिंसिपल है, इसके पास ही जाकर पूछते हैं। सर यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया, वो स्कूल के अंदर ही छिपा हुआ है। ओके तो गाइस अब मेरे को स्कूल के अंदर जाकर उसका सामना करना होगा। लेकिन ये क्यों आ रहा है, इसको समझाना होगा। बेटा तू यहीं पर रुक जा, अंदर जान को खतरा है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है अंकल जल्दी से आना। चलो गाइस अब अंदर जाकर देखते हैं वो कौन है। यार ये स्कूल तो काफी शानदार लग रहा है, पर अभी तक ये बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। चलो क्लास के अंदर जाकर देखते हैं। यार ये सभी तो ताली बजाने लग गए, वो भी पता नहीं क्यों, पर मेरे को तो यहाँ पर कोई भी दानव नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो क्लास के पीछे हो, मेरे को एक बार वहाँ पर भी जाकर देखना चाहिए। अबे ये पागल है क्या, क्लास में डोनट कौन लाता है। लगता है मेरे को कहीं और ही खोजना होगा। पर इसको क्या हुआ, ये मास्टर गुस्सा क्यों हो गया। अबे ओए मेरे को मार क्यों रहा है, ये तो पूरा का पूरा पगला गया। अच्छा होगा मैं बच्चों से दूर चला जाऊं, उसके बाद इसे देख लूंगा। क्यों बे मेरे को मारेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। यार ये तो सच में मर गया। बच्चों आप चिंता मत करो, आपके टीचर लंच करने गए। अब इस दरवाजे के पीछे जाकर देखते हैं। ओ माय गॉड इसको क्या हुआ, ये भागकर क्यों आ रहा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। धन तेरी की, यहाँ तो हर तरफ लाश ही लाश बिछी हुई है, पता नहीं ऐसा किसने किया। मैं पता करके ही रहूंगा। अब ये कौन है, मेरे को तो वही दानव लग रहा है जिसके बारे में बाहर बताया था। अब मैं क्या करूं, यहाँ से भाग जाऊं या फिर यहाँ रुकूं। लग रहा है वही यहाँ से जा रहा है। चलो अच्छा हुआ मेरे को कोई खतरा नहीं है, क्यों ना उसी तरफ जाकर थोड़ा बहुत यहाँ के माहौल का पता करें। पर इसमें जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो उसने कितने सारे लोगों की जान ले ली। अब इसके अंदर कौन है। ओ माय गॉड ये तो वही दानव है, देखो कैसे उस इंसान को खाकर अपनी भूख मिटा रहा है। अबे नहीं ना यार, शायद इसने मेरे को देख लिया, देखो कितना भयानक लग रहा है। चलो दूसरी तरफ जाकर मैं छिप जाता हूँ। अरे बाप रे ये भाग का रहा है, कहीं स्कूल के बाहर तो नहीं जा रहा। गाइस मेरे को भी बाहर जाकर लोगों को बचाना होगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि वो दानव आसपास में ही होगा। अबे नहीं ना यार ये कमीना कहाँ से आ गया, देखो कैसे मेरे को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे को कौन बचाएगा। धत तेरी की उसने तो सभी को मार डाला, देखो हर तरफ लाशें बिछी हुई है, मतलब वो काफी खतरनाक दानव है। अच्छा हुआ ये बच गया, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाता। चल बे अंदर बैठ जा, हमको यहाँ से निकलना है, वो कभी भी आ सकता है। मेरे को कैसे भी करके घर पहुँचना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे की जान जाए। ओ भाई साहब ये तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, अब यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यार ये बच्चा तो गन चला रहा है, आखिर इसके पास गन कहाँ से आई। ऊपर से ये दानव हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। धत तेरी की वो बच्चा तो नीचे गिर गया और कार पर आग भी लग गई। अरे भाई रुक जा, ओहो कमीने ने पूरी कार को फोड़ दिया। गाइस मेरी हालत देख रहे हो, हर तरफ से खून निकल रहा है, पर ये बच्चा हमेशा जिंदा कैसे बच जाता है। अब हम दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरी गाड़ी को खोजना होगा, तभी हम बच पाएंगे। देखो सामने चोपर, मैं इसमें बैठ कर यहाँ से फरार हो सकता हूँ। चलो चलकर उसमें बैठते हैं। अबे नहीं ना यार ये कहाँ से आ गया, और ये चोपर मेरे को छोड़कर कहाँ भाग रहा है। लग रहा है मेरे को पैदल ही भागना होगा। अबे साले अब तो मेरे को छोड़ दे, रुक मैं ही तेरा काम तमाम करता हूँ। ओहो शायद वो मर गया। अबे नहीं ना यार ये कमीना मर क्यों नहीं रहा, मेरे को वापस खड़ा होकर ट्राई करना होगा। यार उसने तो पहले ही हमला कर दिया, पर इस बार नहीं बचने वाला। शायद मैंने उसको मार डाला, क्योंकि वो वापस खड़ा नहीं हो रहा। आखिरकार मैंने इस दानव को मार डाला। गाइस आप देख सकते हो ये दानव कितना खतरनाक था। अरे वाह ये बच्चा तो हमेशा के जैसे वापस से बच गया। गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं,
दोनों वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।